दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास रिपोर्ट में। और लगातार कोरोना का समय बीत रहा है। सेकेंड वेव के बीतने के बाद लोग लगातार अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारा एक समय धर्म को लेकर के भी लोगों का बीतता है। मंदिर खुल गए हैं, बहुत सारी योजनाएं सरकार की शुरू हो गई हैं पर्यटन को लेकर के। और सबसे बड़ा जो विषय रहा उत्तर प्रदेश में, चित्रकूट रहा है, क्योंकि भगवान राम वनवास के दौरान एक लंबे समय तक रहे हैं और उनके चरित्र को गढ़ने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी धरती से आते हैं, राजापुर से। हमारे साथ एक ऐसे महान व्यक्तित्व होंगे जो बहुत प्रख्यात हैं, बहुत सारा बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। और सबसे जो मजबूत एक पक्ष उनसे जुड़ता है, वो जुड़ता है कि वो भगवान राम को सीधे रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे में बात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हुए हैं जिन पे उनकी राय आनी बहुत आवश्यक है। ऐसे में हमारे साथ जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी हैं, जो कि बहुभाषाविद हैं, रचनाकार हैं, कथावाचक भी हैं। और सबसे बड़ी जो उनके साथ एक जो विषय जुड़ता है, वो हिंदू धर्म गुरु के तौर पे जुड़ता है। गुरुदेव, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी, गुरु जी, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? लोग जानने को काफी उतावले मैं हैं इन कि दिनों दो प्रकार का लेखन कर रहा हूं। एक तो पाणिनीय व्याकरण में धातु पाठ पर आज तक किसी ने काम किया नहीं। 4,000 वर्ष बीत गए पाणिनि के, पर उनका जो धातु पाठ था वो अछूता रह गया था। सूत्र पर तो मैंने काम किया, अभी 8,000 पृष्ठों में मेरी पुस्तक छप के आ रही है धातु पाठ पर। और दूसरा बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं, हमारे समाज में कैसे आचार्य हुए जिन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाया, शोषित दलित सवर्ण अवर्ण का भेद मिटाया, और ये कह दिया कि जात पात पूछे नहीं, कोई हरि का हरि को भजे सो हरि का होई। वो जगत गुरु श्रीमद रामानंदाचार्य, उनका जन्म भी इसी तीर्थराज प्रयाग में हुआ था। मैं भी श्री रामानंदाचार्य का चरित्र लिख रहा हूँ संस्कृत में, श्री रामानंद चरितम। 4 सर्ग पूरे कर लिए मैंने, और धातु पाठ का कार्य जल्दी हो जाएगा। तो रामचरितमानस पर 9 खंडों में जो मेरी योजना है लिखने की, बहुत शीघ्र पूरा प्रस्तुत करूंगा। गुरुदेव, अभी हालिया में राम जन्मभूमि को लेकर तमाम प्रयास लगातार जारी हैं, पर ऐसे में एक नया जो विवाद आया जमीन को लेकर के, जनता के बीच में भी कई भ्रांतियां फैलती हैं। ऐसे में इसके राम मेरा मेरा मत यही मेरा मत यही है। जब तक संतों का वर्चस्व नहीं रहेगा, तब तक ये विवाद फैलते रहेंगे। अब मैं पद का लोलुप नहीं हूं, पर जगत जानता है कि मैंने मेरी कितनी बड़ी भूमिका थी राम जन्मभूमि को विजय दिलाने में। मेरा मत यही है कि राम जन्मभूमि के ट्रस्ट का विस्तार हो। उनमें जो बदनाम लोग हैं, जैसे देखिए अयोध्या के राजा बिमल मोहन मिश्रा, वो सपाई और बसपाई रहे हैं। उन्हीं के मंदिर में एक नकारात्मक शूटिंग हुई संतों के अपमान की, उनके महल में आश्रम। हाँ, तो ऐसे लोगों को निकाल, अच्छे लोगों को वहां रखा जाए, और संतों का वर्चस्व रहेगा तब विवाद नहीं होगा, नहीं तो आशंकाएं होनी स्वाभाविक है। और होगी और जांच होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ जांच होनी चाहिए, क्योंकि पैसा किसी के बाप का नहीं है, पैसा हम लोगों का है। गुरुदेव, तुलसी जयंती आने वाली है, तुलसी तीर्थ के विकास को लेके बहुत बातें आती हैं, और आप सीधे रिप्रेजेंट करते हैं, आप खुलकर बोलते हैं कि तुलसी तीर्थ राजापुर का विकास हो। आपको क्या लगता है कि देखिए, मेरा तो पूरा मानना है कि गोस्वामी जी का जन्म राजापुर में ही हुआ था, पर ऐसा यहाँ कि लोगों की राजनीति का जो धरातल है वह निम्न श्रेणी का हो गया है।
मुझे तो आश्चर्य लगता है जिसने अपना सब कुछ तुलसीदास जी के लिए लिया हो। अब बताए तुलसीदास जी के नाम पर मैंने यहाँ पीठ बनाया। एक कमिटी कमिटी गठित हुई थी, उसका अध्यक्ष मैं था। मेरे लिए एक आरोप लगाया गया, तुलसी स्मारक हमारे अधीनस्थ होना चाहिए और राजापुर का जैसा विकास होना अपेक्षित था वैसा हुआ नहीं। राजनीतिकरण छोड़ करके राजापुर का विकास हो और उसकी मैं पूरी सहायता करूंगा। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मेरा अधिकार उनको नहीं मिल जाता तब तक वो दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा मैं। गुरुदेव, कुछ संत कथा तो राम की कहते हैं लेकिन बचते हैं कि इस विवाद को नहीं नहीं विवाद ऐसे हैं। कुछ संत आपको बताइए, वो संत ही नहीं विवाद क्या, संत से विवाद का समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा। अभी हालिया में भी आए थे चित्रकूट वो संत और मैं आप जान मुझसे अधिक कौन जानेगा। जी ब्राह्मण ही नहीं थे, गोसाई थे, अब उनको क्या कहा जाए। वो तो कहते हैं कि तुलसी तुझको कभी न कभी रत्ना की याद आई होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी बालकालीन ब्रह्मचारी थे और वो ब्राह्मण थे, उनको गोसाई एक पदवी मिली थी इसलिए हनुमान बाबू को कहा गया तुलसी गोसाई भयो भोड़ो दिन भूल गयो, भोड़े दिन भूल गयो ताता को पर पाओ निदान निदान पर पाखो। अर्थात गोस्वामी जी गोसाई एक पदवी थी उनकी, सम्मान था उनका। वो जन्मना गोसाई वो गोसाई जाति के नहीं थे, वो तो ब्राह्मण कुल के थे। भली भारत भूमि भलो कुल जन्म हो, शरीर समाज भलो लेके तो विवाद से बचने की कोई आवश्यकता नहीं, खुल के बोलना चाहिए। तो 4.5 वर्ष का कार्यकाल योगी जी का हो गया और आपको नहीं लगता लेट हो गए चित्रकूट विकास परिषद को, अब जाके प्रस्ताव पारित होगा कुछ फायदा होगा। दिन का भूला कम से कम सायंकाल तो अपने गंतव्य पर आ गया, लेट तो हो गए। ये कहो चरितार्थ होगी, देर आए दुरस्त आए। सीधी भूमिका रहेगी विकास कार्यों में? हाँ रहेगी, यदि हमको जो दायित्व तो होगा मिलेगा उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। और मैंने अपना सुयोग्य उत्तराधिकारी बना दिया है आचार्य रामचंद्र दास को, और यदि अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है हम लोगों को कुछ कहा जाएगा मैं बहुत करने में हम लोग पीछे नहीं होंगे। तो आप पीएम मोदी ने बहुत बार आपसे मुलाकात उनकी हो चुकी है, बहुत नजदीकी माना जाता है आपको उनका। लगातार पीएम मोदी कोरोना को लेकर जो विदेशी मीडिया रही है उसमें टारगेट में रहे हैं। एक अभी एक शोध आया जिसमें उनकी लोकप्रियता कम हुई है ऐसा कहा जा रहा है। लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लोगों का दृष्टिकोण केवल गलत हो गया है। काम करने वालों को काम करने दिया नहीं जाता। आप बताओ क्या यह कम है? 2 वर्षों से मोदी जब से कोरोना आया 2 वर्षों से 80 करोड़ आवश्यकतावान लोगों को दीपावली पर्यंत भोजन दे रहे निःशुल्क। 2024 तक भारत के प्रत्येक घर में नल का जल उपलब्ध हो जाएगा, या कोई ये कोई कम बात हुई? कोरोना में सामान्य घर संभालना कठिन हो रहा है, पूरे देश को उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है, ये कोई कम बात हुई? कोरोना में ही
प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है दोनों, ये कोई कम बात हुई? किसने क्या किया है? लोकप्रियता कम नहीं हो रही है? अब मुझे लग रहा है कि मोदी का आना फिर तय है और ट्रिपल इत्यादि आ जाएगा। ये तो बंगाल बहुत चल रहा था नाम ममता बनर्जी को लेकर, आप क्या सोचते? मैं उनको क्या बताऊं, हमारे भारत की बेटी हैं पर सोच बहुत नकारात्मक उनकी। इतनी नकारात्मक सोच की महिला हमने तो नहीं देखी थी। देखिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए विदेशियों को शरण देनी, एक तो हम ऐसे जनसंख्या से जूझ रहे हैं, बांग्लादेशियों को किसको किसको क्या करके किसी एक पक्ष विशेष पर पक्षपात करना, झूठ बोलते हैं कि मैं ब्राह्मणी हूँ, क्या हूँ क्या नहीं हूँ, भरे रहे हो तुम पर ब्राह्मण उचित कर्म कहाँ तुम्हारे पास रहे। जिस बंगाल से, जिस बंगाल ने हमको दोनों जीते, दोनों वस्तु हमको दी, बंगाल ने ही हमको राष्ट्रगान दिया और बंगाल ने ही हमको राष्ट्रगीत दिए, उस बंगाल की आज क्या दशा है कि राम कहने में भी आजकल डर लगता है कहीं मार न डाला जाए। नाम इनका ममता है पर ममता जी को किसी के प्रति ममता नहीं, अपने स्वार्थ के प्रति, अपनी सत्ता के प्रति उन्हें ममता है, एक विशेष वर्ग के प्रति ममता है जो भारत का कभी नहीं रहा। गुरुदेव, धर्म की जब बातें आती हैं तो आपको बहुत स्पष्ट वक्ता माना जाता है, ऐसे में जो छोटा सा विवाद अभी सामने आया था नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी का, क्या देखते हैं आप, कैसे लोगों की भावनाएं कैसे? बहुत अच्छा नहीं यार, मैं बहुत अच्छा नहीं देखता, क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, नरेंद्र गिरी तो मेरे मित्र हैं। मैंने उनको कहा भी, अभी तुम मैं गया था आचार्य जी के दर्शन के लिए तो जगत ब्राह्मण आचार्य की जन्मभूमि गया था मैं प्रयाग, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया वहाँ, उसमें भी ये बात स्वीकार रहे थे कि आपने जो पीठ का उत्तराधिकारी बनाया बहुत अच्छा किया, मैंने जो पीठ का उत्तराधिकारी बनाया बहुत बड़ी गलती की। जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार करे तो वहाँ क्या टिप्पणी करनी, आप हमारे विषय में बताइए हमने कैसा किया, बस हमने जो पीठ का उत्तराधिकारी बुलाया और जिस प्रकार हम चला रहे, आपको कैसा लग रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एकदम बढ़िया गुरुदेव, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी दशा में लव जिहाद को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, अब कुछ मामले भी आए हैं, आपको क्या लगता है? लव जिहाद को तो स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, स्वीकरणी स्वीकरणी नहीं हो ये कोई बात हुई? गुरुदेव, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि एक बार फिर चित्रकूट को आध्यात्मिक, भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का यत्न किया जाए, जो गोस्वामी जी ने कहा था, सचिव पावन पावन देशु भट्ट जमनियम शैद राजधानी शांत सुमत सुच सुंदर रानी सकल अंग संपन्न सुराऊ राम चरण आश्रित चिच्चाऊ। एक बार फिर हमको छोटी छोटी मानसिकताएं भूल कर, यहाँ तो बार बार तो गोली चलाना, ये कोई बात हुई? चित्रकूट के लोग जब तक अपनी धारणा नहीं बदलेंगे तब तक इनका विकास मोदी योगी क्या ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाएंगे, इनको अपनी धारणा बदलनी पड़ेगी।
स्वार्थ से ऊपर आना पड़ेगा। मेरा यही संदेश है। धन्यवाद गुरु जी। तो हमारे साथ थे पूज्य गुरु जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर निर्भाग तरीके से अपनी राय रखी, और उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक अपने निजी स्वार्थ से ऊपर लोग व्यक्ति नहीं उठेगा, तब तक चित्रकूट का विकास संभव नहीं है।